आदि दीक्षा एक आदि दीक्षा मान एक दीक्षा प्रथम दिन में अन्य दीक्षा यहपर भाव में दीक्षार पृथकता से अच्छी कर्मर पृथकता हेल्ले दीक्षार पृथकता रु से कहते द्वादशाह द्वादशाह शब्द कौन सूचौ किए कह द्वादशाह शब्द कौन सूचौ केत दिन को सूचौ पे शोभन बास द्वादश अह द्वादशाह बार दिन बार दिन यज्ञ से बार दिन यज्ञ में बारटा दीक्षा होगा तेणु बार दिन में बारटा दीक्षा द्वादशाह बार द्वादश आहरे द्वादश दीक्षा यही कथार चर्चा षष्ठ अध्याय पंचम पाद देखा मिले तापर षष्ठ पाद षष्ठ पाद सत्राधिकारीण तुल्य कल्पा एव सत्रर अधिकारी मुझे कहली ना जय यजमान तेरेज सत्र जागे तो एवं विप्रस्य एव विप्रस्य देख ल केवल ब्राह्मण अधिकार अच्छी विप्रस्य एव इति एवमादिकं चिंतितम् केवल ब्राह्मण मानकर चर्चा एथिरे करा जायछि सेई मानकर केवल अधिकार अच्छी कारण ऋत्तिक्त्व से मानकर अच्छी तेणु जो मैंने ऋत्तिक हेबे से मैंने यजमान हेबे एही कारण रु केवल एथिरे विप्रमानकर अधिकार कथा कहैछि। सप्तम अध्याय कथा पित्रादिकं न देयम् महाभूमिर न देयम इति एव मादिर देय विचार दान दबार विचार कथा कह यज्ञ कर सोमजाग जमती करने व्यय सापेक्ष तार दान से व्यय सापेक्ष है कर्म कर सारापर दान देवापार विधान रही तेणु से बापा पित्रादिकम न देयम है मैंने बापा को दान देदेवनी पित्रादिकम न देयम महाभूमिर न देयम ये महाभूमि शब्द कौन अर्थ तो महाभूमि दक्षिणा देला बेले तो सेठी से कहते जमी विश्वजित यज्ञ विश्वजित एक सोम यज्ञ विश्वजित यज्ञ करे करते विश्वजित यज्ञ किए करते रे पाने पढ़ी तुम्हें कठोपनिषद मैंने पढ़ी हाँ नचिकेता बापा नचिकेता बापा बाजस्रव ऋषि है बाजस्रवा ऋषि तेना बाजस्रवा ऋषि यज्ञ करके विश्वजित यज्ञ करके शेषे निज पु को भी जम को दान करदे है तो से भाया तो सप्तम पादरे से कहते जे एठी विश्वजित यज्ञ सर्वस्व दक्षिणा दे पार किंतु निजर पिता एवं महाभूमि महाभूमि कहले महाभूमि कहले जो तुम विशेष जोटा तुम निवास स्थान जो भूमि ताकू दान दब ना सर्वस्व दान देदेवार कथा अच्छी विश्वजित यज्ञ में निजर पिता को दान देवनी कि निजर सर्वस्व भूमि दान देदेवनी निजर जोटा मूल निवास स्थान जो भूमि ताकू तुम्हें दान दब ना एक कथा भी मना करापर अन्य अष्टम पाद अशेष पाद लौकिक अग्नौ उपनयन होम है लौकिक अग्नौ उपनयन होम स्थपति इष्टि तथैव इति एवम् आदि अग्नि विचारः कृतः हैला एवम् आदि अग्नि विचारः कृतः असे कहउचन्ति। तो आठम उपनयन संस्कार रो होम कथा कह जाय छी उपनयन संस्कार जेहेतु एटा लौकिक अग्नि रे हबो काही कि हबो के कहि परबो उपनयन संस्कार लौकिक अग्नि रे हबो किंतु जे कोनोसी यज्ञ लौकिक अग्नि रे हबो नाही आ काही कि कह जाय छी के टिके निजर बुद्धि खटे कि कहिला देखिबा काही कि ए कथा कह गला पिला माने हाँ उपनयनटा हूँ आमर स्मार्त कर्म गृह कर्म गृहस्थ धर्म सहित संपर्कित कर्म से लौकिक अग्नि हेब किंतु यज्ञ हूँ स्मार्त स्रोत कर्म स्रोत कर्म किंतु लौकिक अग्नि हेब ना है उपनयनटा को होम कहुई यज्ञ कहुनी उपनयन संस्कार जहाँ जो अग्नि को संस्थापन करोम कहुई होम और यज्ञ भितर पार्थक्य अच्छी है यज्ञ हूँ जिते बड़े जजधातु जजते इज्जते भाया शब्द प्रयोग कराए जो बसटकार उच्चारण कराए जो ठिया है आहुति प्रदान कराए से यज्ञ कितु जो बसिक जग कराए एवं जुहोति बोली कहुए एवं जोठी स्वाहा बोली आहुति प्रदान कराए से होम बुझीगला होम आउ यज्ञ भितर कौन पार्थक्य अच्छी पिला माने हैला होम हूँ बसिकी कर स्वाहाकार कर बसट कहा हेनी स्वाहा कह जाए एवं जोठी जुहोती शब्द प्रयोग करूँ बुझ जो जो वाक्य जुहोती थी सीटा हूँ होम किंतु जोठी जजती इज्जती शब्द प्रयोग एवं ठिया है आहुति प्रदान करसटकार कर आहुति प्रदान करा हूँ यज्ञ यही हूँ पार्थक्य उपनयन संस्कार होम एवं निषाद स्थपति यज्ञ निषाद स्थपति
निषाद स्थपति निषाद हूँ गोटे जाति पंचम जाति कह जाए जो तुम वर्णाश्रम धर्म पढ़ुच चारिजाति भितर निषाद को पंचम जाति ग्रहण कर सबुर जथेष चर्चा वेद पिलाई कहे तुम्हें यदि बाजसेनी संहितार तीस अध्याय देख पचास प्रकार जाति कथा से कह पचास प्रकार जाति जाति कहले क्या बुझा जाने कर्म को लेकिन जाति जे जो कर्म करुच्ची से जाति नाम नामित कराऊति शब्द व्यवहार कराई आउ निषाद निषाद क्या कौ कौ दुईटा वर्णर मिलन निषाद हम क्या मिलन मानने कौन जाति हम से सब विषय चर्चा से कहुई है तेणु ये जो निषाद कथा कह निषाद स्थपति स्थपति मान जो मैंने स्थापत्य निर्माण कर स्थपति क्या कह पे स्थपति चित्रकर यह सब शब्द भितर किसी पार्थक्य अच्छी स्थपति क्या कह ना स्थपति हूँ मूर्ति निर्माण करने को स्थापत्य कला कह जाए है मूर्ति पथर जो मूर्ति खोदे को स्थापत्य कह जाए तेणु से मैंने स्थपति निषाद स्थपति जिते यज्ञ कर सीए मध्य लौकिक अग्नि कर एक कह तो मंदिर रे मूर्ति निर्माण कौन सी एक अनुष्ठान होेणु सेौकिक अग्नि करने कई भाव में अग्निर विचार अग्नि कौ अग्नि केत मानने कौटा लौकिक अग्नि कौन वैदिक अग्नि स्रौत अग्नि तत्संक्रांत चर्चा षष्ठ अध्याय अंतिम पाद अष्टम पाद चर्चा करा मानने चर्चित हो वर्णित अन्य लेख सतर नंबर अठर नंबर रर्चा तार आम अन्वय को जीवा अधिकारी तस्य धर्मः सुना जाओ नि क्लियर कौन करिबा मैम हाँ क्लियर सुना जाओ नहीं मोटे पाख हाँ आउ थे कहूँ अधिकारी तस्य धर्मः प्रतिनिध्यर्थ लोपने प्रतिनिध्यर्थ लोपने गोटे शब्द प्रतिनिध्यर्थ लोपने दीक्षा सत्रम दीक्षा सत्रम देयः देयः बन्ही एटा मु अलगा कर देली देयः च बन्ही च देय बन्ही हेछि तुमर देयः बन्ही च अमी ब्रैकेट रे विषयः अमी विषयः षष्ठे पादेषु पादेषु स्थितः पादेषु स्थितः अर्थ लिखिबा जैमिनीय न्यायमाला विस्तरस्य जैमिनीय न्यायमाला विस्तरस्य षष्ठाध्यायस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे कर्माणां कर्माणां कर्तृत्वविषये अधिकारविषये वा अधिकारी विषय बा चर्चा दृश्यते कर्मसु अंधबधिरादीनां
अंध बधिरादीनाम अधिकारः नास्ति, अधिकारः नास्ति। पत्यासः स्त्रियः अधिकारः वर्तते, पत्यासः स्त्रियः अधिकारः वर्तते। पत्यासः पति पत्नीक सहित स्त्रियः अधिकारः वर्तते, पत्यासः स्त्रियः अधिकारः वर्तते। द्वितीये पादे सत्रजागस्य सत्रजागस्य विविधानाम् अधिकारिणाम् नहीं विविधानाम् करणि कन्फ्यूजन हब वंशानुक्रमेण अधिकारिणाम् सत्रजागे वंशानुक्रमेण अधिकारिणाम् अधिकारिणाम् पूर्ण फलप्राप्ति विषयः पूर्ण फलप्राप्ति विषयः दर्शपूर्णमासः मैम वंशानुक्रमेण सत्रजागे अधिकारिणां वंशानुक्रमेण सत्रजागे वंशानुक्रमेण अधिकारिणां पूर्ण फलप्राप्ति विषयः जते जन अधिकारी हेबे समस्तंकु समान फल पूर्ण रूप रे मिलिबो पूर्ण फलप्राप्तेः विषयः दर्शपूर्णमास जागानाम जागानाम काहेकि कहली ना दर्शरे तीन पूर्णमासरे तीन सेथिपाय दर्शपूर्णमास जागानाम एक कर्तृत्व नियमः सेथि जणे कर्ता हव एक कर्तृत्व नियमः दर्शपूर्णमास जागानाम एक कर्तृत्व नियमः काम्यकर्माणां अंगानुष्ठानम् काम्यकर्माणां अंगानुष्ठानम् अधिकारिधर्मनिरूपणं च अधिकारिधर्मनिरूपणं च वर्णितमस्ति तृतीये पादे तृतीये पादे द्रव्यस्य प्रतिनिधित्वं द्रव्यस्य प्रतिनिधित्वं वर्णितमस्ति देवताग्निमन्त्राणां प्रतिनिधि ही नास्ति एथरो बुझा गला केवल यज्ञ रे यज्ञ द्रव्य रे प्रतिनिधि हेई परिबो अनुपलब्धि स्थले किंतु अन्य कोनसी कथा रा प्रतिनिधि आयोजने हबो ए कथा हेई परिबनी ना देवता ना अग्नि ना मंत्र ना अधिकारी जोटी जहा को निर्देश कराइ छी से सही कर्म संपादन करबे विधि अनुसार चतुर्थ पादे पदार्थ लोप विचारः चतुर्थ पादे पदार्थ लोप विचारः तथा अवदान संस्कारे अवदान शब्दर अर्थ ग्रहणम ब्रैकेट रे लिखि दे पार अवदान संस्कारे हविर नाश स्थाने हविषः समाप्तौ
हविषः समाप्तौ आज्येन जागः करणीयः आज्येन जागः करणीयः इडाजस्य इडाजुक्त आज्य इडाज्य इडाज्यस्य समाप्तौ इडाज्यस्य समाप्तौ इडाजुक्त आज्य इडाज्य तार षष्ठी एकवचन इडाज्यस्य इडाज्यस्य समाप्तौ शेषान्नस्य माने अन्न जहाँ अवशेष रही अन्न कहले शस्य शेषान्नस्य ग्रहणम कार्यम शेषान्नस्य ग्रहणम कार्यम पंचमे पादे जागविधानस्य कालातिक्रमणेन यः अपराधः भवति कालातिक्रमणेन यः अपराधः भवति तस्य प्रायश्चिताय तस्य प्रायश्चिताय अभ्युदय इष्टेहे अनुष्ठानं वर्णितमस्ति।